हम तो फिर भी अपना जेंडर चेंज करके मैं एक पूर्ण औरत बन गई हूँ, बट ये औरत मुझे बस इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क ये भी है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करती, वो औरतें नहीं वो महिलाएँ हैं। 2-3% जो नहीं कर पा रही हैं, माँ बनने के लिए मातृत्व होनी ज़रूरी है, अपनी कोख का बच्चा। नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी मिल रही है और मुझे तेजस्वी भैया जी के नाम से धमकी मिल रही है, मरवा देंगे, ये करेंगे, घर में डाल के आग मतलब करंट लगा देंगे, गाड़ी में डाल के दारू बेचने में फंसा देंगे, हाथ पैर काटने दिया जाए, हमें परेशान ना किया जाए, हमें मारने की धमकी ना दिया जाए। कौन नहीं पता कौन कब मार दे, वो ऑलरेडी गुंडा भी पीछे लगवा चुके हैं और कब मरवा देंगे नहीं तो मेरे साथ भी शायद वही घटना होगी या मेरी मौत हो जाएगी। उसके बाद आप प्रदर्शन करके कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी साथ आएँ, हमारा साथ दें, अभी आपके साथ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़। हमारे बगल में अभी जो कपल बैठे हुए हैं, इनका वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारे बगल में महिला बैठी हुई हैं ये ट्रांसजेंडर हैं, और हमारे बगल में जो रवि जी हैं उन्होंने ट्रांसजेंडर से शादी किया है, इसलिए इनके परिवार इन्होंने भागकर शादी की है और इनके परिवार वाले जो हैं अब इनको धमकी दे रहे हैं। इनसे ही पूरी बात जानते हैं कि क्यों इनको छुप छुप के रहना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है, हमें एक ट्रांस महिला, पहला नंबर हम लोगों ने भाग के शादी नहीं किया है, हमने 1.5 साल से उनको मनाने की कोशिश की, बट अगर कोई लोग मानने को ही तैयार ना हो तो भला हम हमारी भी एक लिमिटेशन, हम एक लिमिट तक ही किसी को मना सकते हैं। तो भागने की यहाँ पे बात ही नहीं, यहाँ पे बात समझने की है, स्वीकृति की है, एक कदम आगे बढ़ाने की है, सामाजिक स्वीकार्यता की बात है। तो यहाँ पे भागने ना भागने, कोई ट्रांसजेंडर है आप उसके लिए उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, और ये आपका इंसानियत भी नहीं कहता है। कानून क्या कहती है हम उस बात पर नहीं जाएंगे, आपका इंसानियत नहीं कहता मैं इंसान हूँ और मैं इस बात पर आना चाहूँगी। तो कोई भी इंसान नहीं कहता कि आप किसी की जेंडर या किसी की डिसेबिलिटी को लेके आप उस पर उंगली उठाएं और उसको प्रताड़ित करें। आप लोग कब शादी किए? 25 जून 2023 को किए हैं। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं वही बोली कि चाहे ट्रांसजेंडर हो उनको भी अपने पार्टनर चुनने का अधिकार है, कोई महिला है उसको भी है, क्योंकि अब तो सेम सेक्स मैरिज भी लीगल होने पे आई है, बहुत सारी कंट्रीज में लीगल हो गई हैं, जहां लड़के लड़की से शादी करते हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ से शादी करती हैं, ट्रांस वुमेन से शादी करते हैं, ट्रांस मैन से शादी करते हैं। हम तो फिर भी अपना जेंडर चेंज करके मैं एक पूर्ण औरत बन गई हूँ, बट ये औरत मुझे बस इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क ये भी है कि मैं बच्चा पैदा नहीं करती, वो औरतें नहीं होती। बहुत सारी हमारे समाज में महिलाएं हैं, 2-3% जो नहीं कर पा रही हैं, माँ बनने के लिए मातृत्व होनी ज़रूरी है, अपनी कोख का बच्चा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? मेरे घर वाले, जैसे मैंने अपने पिताजी को बताया था तो मेरे पिताजी को पता था कि ये ट्रांसजेंडर हैं, और मेरे पिताजी इनसे बात भी करते थे, 2-2, 3-3 घंटा बात भी किए थे, इवन उन्होंने ये भी कहा था जब बात करते थे तो अब दिक्कत। हाँ, क्योंकि पता नहीं उनके दिमाग में क्या, मेरे भाई द्वारा क्या पता नहीं चल गया कि वो अब मानते ही नहीं है, उनके दिमाग में यही है ट्रांसजेंडर मतलब हिजड़ा छक्का और टोली बधाई वाले लोग। इवन ये भी मुझे कहते हैं कि तुम भी उसी समाज के हो, इसीलिए तुम्हें वही पसंद है। अच्छा, अब तो टोली बधाई कभी की नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कभी उस परंपरा में नहीं गई हूँ, बट वो जो लोग वहाँ हैं मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं कह रही, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी औरतें भी बहुत सारा काम करती है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई डांसर है, तो सेम वही सेम चीज़ अप्लाई यहाँ पे भी होता है। ट्रांसजेंडर में भी कोई पढ़ना चाहती है, कोई टोली बधाई करना चाहती है, कोई कुछ और पेंटिंग वेंटिंग करना चाहती, मतलब सब काम करना चाहती होंगी। आपको धमकी क्या मिल रही? मुझे नीतीश कुमार जी के नाम से धमकी मिल रही है और मुझे तेजस्वी भैया जी के नाम से धमकी मिल रही है, मरवा देंगे, ये करेंगे, घर में डाल के आग मतलब करंट लगा देंगे, गाड़ी में डाल के दारू बेचने में फंसा देंगे, हाथ पैर काट देंगे, पता नहीं ऐसे बहुत धमकियाँ, सामाजिक बहिष्कार करवा देंगे, ऐसे बहुत इससे भी धमकी इनके भाई के कहने पर इनके पिता द्वारा दी जा रही है। इनका भाई अगर अभी बोलेगा रात है तो पूरा घर बोलेगा रात है, और वो बोलेंगे दिन है तो दिन है, मतलब पैसे के लिए प्यार नहीं कर रही है। पैसे के लिए प्यार होता है? इनके पापा बहुत के पास बहुत पैसा है, लोग बोल रहे हैं इनके पापा, जिस तरह से ये बता रहे, इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है इसीलिए मेरे बेटे को फंसाई। तो अगर वो प्रॉपर्टी है तो मैं भी भिखारी तो नहीं हूँ, मैं भी एक अच्छे खासे घर से हूँ, मेरे पास भी 20-15 बीघे ज़मीन है, मैं भिखारी तो नहीं हूँ। अगर उनके पास प्रॉपर्टी है वो उनके पास है, जो मेरे पास वो मेरे पास है, मैं उनकी प्रॉपर्टी क्यों लूँगी? अगर वो देंगे भी, अपने बेटा को देंगे, उनका बेटा जाने, मुझे क्या मतलब उनकी प्रॉपर्टी से। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी भी कुछ नहीं है, मेरे पिताजी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन्हें अपनी बहू मान लेते हैं, तो आप लोग खुशी खुशी दोनों खुशी जाएंगे।
आपका यही निवेदन है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें जीने दिया जाए, हमें परेशान ना किया जाए, हमें मारने की धमकी ना दिया जाए। कौन नहीं पता कौन कब मार दे, वो ऑलरेडी गुंडा भी पीछे लगवा चुके हैं और कब मरवा देंगे कुछ नहीं पता। तो और मुझे पता है प्रशासन बिक चुकी है, वो इंसाफ नहीं करेगी। हमारे पास ऑप्शन दो ही हैं, या तो सारा समाज हमारे साथ खड़े हो, या जितनी हमारे ट्रांसजेंडर समाज, जितने हमारे समाज के ट्रांसजेंडर नेताएं हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जितने किन्नर अखाड़ाएं हैं पूरी इंडिया में, ये किसी बिहार की बात नहीं है, पूरी इंडिया की बात है, सारे ट्रांसजेंडर किन्नर अखाड़ा साथ आएँ, आप हमें न्याय दिलाएँ, आज हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। सारी प्रशासन बिक चुकी है, बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं सिर्फ मनीष कश्यप के केस लड़ने के लिए नहीं बने हैं, या जब उनकी बेटी को नंगा करके दिल्ली में रेप किया जाता है या नंगा करके भी मणिपुर में घुमाया जाता है, उसके बाद वो केस लड़ने के लिए नहीं बने हैं। आज भी मैं सुरक्षित हूँ थोड़ी सी, अभी हमारे साथ आएँ, हमारा सहयोग करें तो ही, नहीं तो मेरे साथ भी शायद वही घटना होगी या मेरी मौत हो जाएगी। उसके बाद आप प्रदर्शन करके कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी साथ आएँ, हमारा साथ दें, अभी आपके साथ की बहुत ज़रूरत है हमें। चलिए, हमारे साथ अद्विका जी और रवि जी हैं, इनकी गलती कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांसजेंडर होने के बावजूद रवि जी एक ट्रांसजेंडर से शादी कर लिए हैं और ये चीज़ समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनको तरह तरह की धमकी दी जा रही है। आप लोग इनका सपोर्ट कर सकते हैं, इनके लिए आवाज़ उठाइए ताकि ये अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको हंसी खुशी बिताए और इनके जो ससुर है जो लगातार इनको धमकी दे रहे हैं वो किसी भी तरह से एक्सेप्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तो कम से कम इनको खुश रहने दिया जाए। अगर